दोस्तों मेरे प्यार भाई नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज आया हूँ मैं मूसी महारानी की छतरी जो अलवर के अंदर है, तो यहाँ का आपको दिखाते हैं ब्लॉग। पीछे देख सकते हो ये एक झील टाइप में बना हुआ है सागर, और ये छतरी है जो मूसी महारानी जी की है। और पीछे देख सकते हो आप जो संग्रहालय है वो, और राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का अच्छे से नज़ारा। और वीडियो में पहली बार विजिट किया है हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको अलवर का मूसी महारानी का जो संग्रहालय है वो, और मूसी महारानी जी की छतरी जो ऊपर है वो। तो कुछ पोज दिखा देते हैं कि अलवर की फेमस हैं वो चीज़ें। देखिए 12 चीज़ें अलवर में फेमस हैं। सरिस्का पैलेस है, पाला किला है, तो आप देख सकते हो। ऑफ सर्कस है, मूसी महारानी जी की छतरी देखिए, ऑफ सर्कस, पाला किला, सीली शेड, पांडुकोल, हनुमान जी, तो आप देख सकते हो ये चीज़। और अगले सीन के अंदर आप देख सकते हो ये जो झील है, कितना अच्छा नज़ारा है इसका। बिल्कुल हरा पानी है इसके अंदर, और सागर के चारों तरफ छतरियां बनी हुई हैं। तो इन छतरियों का नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल नज़ारा। ऊपर पहाड़ों पर देखिए कितनी हरियाली है, क्योंकि मौसम है जो वर्षा ऋतु का चालू हो चुका है, हल्की हल्की बूंदे, इसकी वजह से ये थोड़ा काफ़ी अच्छा है। और सामने का नज़ारा देख सकते हो, पहाड़ के ऊपर जो किला बना है फोर्ट, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो ये राजा महाराजाओं के टाइम के बने हुए हैं सारे, ये देख सकें। यहाँ पर सूर्य अस्त, मतलब सूर्य भगवान की फोटोग्राफी लगाई गई है, जो बारीकी से इसको कलाकृति से बनाया गया है। और ये देखिए इधर का नज़ारा, ऑक्सीजन प्लांट, मतलब पीपल का पेड़, इससे काफ़ी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, इस टाइम ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। और ये देख सकते हो यहाँ रेड स्टोन लगाया गया है, ये करौली के द्वारा, ये पत्थर है करौली का। और ये देखिए मूसी महारानी जी के जो लिखा हुआ है, बख्तावर सिंह 1790 से 1814, उनकी पत्नी थी मूसी महारानी जी, उनकी पुत्र था महाराजा विनय सिंह, जो 1814 में ये बनवाया गया था। आप देख सकते हो मूसी महारानी की छतरी के नाम से प्रसिद्ध इस स्मारक का निर्माण महाराजा विनय सिंह 1814 से 1857 ईस्वी में अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह 1790-1814 में, उनकी पत्नी थी मतलब मूसी महारानी जी वाइफ, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। तो मूसी महारानी जी थी वो एक अपने पति पर सती हुई थी, तो वो अपने पति से अटूट प्रेम करती थी, इसलिए वो उन पर सती हुई थी। तो ये उनकी याद में उनके पुत्र थे बख्तावर सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। तो आप देख सकते हो ये नज़ारा, तो रेड पत्थरों से निर्मित है, काफ़ी अच्छा ना खोलो ने, देख सकते हो अंदर का नज़ारा, ये नीचे की तरफ का नज़ारा है। अभी ऊपर चल कर आपको दिखाते हैं, तो ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है, डिजाइन दिया गया है कितनी बारीकी से। तो सामने का नज़ारा, चारों तरफ पिलरों पे खड़ा हुआ है, और बीच में देखिए सामने का व्यू देखिए, और इन सीढ़ियों से ऊपर मूसी महारानी जी की जो पगले हैं, जो उनके पैर बनाए गए हैं, तो वहाँ पर जाता है ये रास्ता। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर, और हम आपको दिखाते हैं ऊपर से अलवर का नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा अलवर का। इस छतरी से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं अलवर का। देखिए अलवर को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है पूरी तरह, देखिए कितनी हरियाली है, मन को आकर्षित करने वाली हरियाली। और ये सामने का नज़ारा देख सकते हो, इसको जूम करके दिखाते हैं अभी इधर का नज़ारा आपको। ये देखिए ये पहाड़ करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जब, और ये देखिए मूसी महारानी जी की छतरी का चारों तरफ से आपको एक बार विजिट करा देते हैं,
अच्छे से नज़ारा दिखा देते हैं यहाँ का। तो ये सीढ़ियाँ हैं, इनके द्वारों पर जाया जाता है जो वाइट स्टोन से बनाया गया है। इसमें करौली का पत्थर लगाया गया है। ये देखिए छतरी, कितनी अच्छी छतरी है करौली के पत्थर के द्वारा निर्मित। ये देखिए कितनी बारीकी से इसमें डिजाइनिंग किया गया है, बारीकी से, और मिस्त्री की जो कला आकृति है उसके द्वारा ये बनाया गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए छतरी का नज़ारा कितना अच्छा है, इधर का नज़ारा देख सकते हो आप, सिटी पैलेस का कितना अच्छा नज़ारा लिया गया है। यहाँ कोर्ट कचहरी ये बनाए गए हैं, इन चीज़ों का नज़ारा दिखाया गया है, आप देख सकते हो। इधर पहाड़ का नज़ारा देख सकते हो, इस छतरी का नज़ारा देख सकते हो। इन सीढ़ियों के द्वारा अंदर चलेंगे, अब आपको अंदर चलकर विजिट कराते हैं। इधर का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा, और अब अंदर चलकर दिखाते हैं मूसी महारानी जी के जो पगले हैं, इन खम्भों पे ये छतरियाँ रखी हुई है। इन खम्भों के द्वारा इसको ऊपर डिजाइनिंग किया गया है, इन खम्भों पे और ऊपर की कला आकृति बहुत अच्छी, मन को लोभांत करने वाली और आकर्षित करने वाली छतरी। ये देखिए ये सामने जो कितनी बारीकी से इन खम्भों का डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हो अच्छे से। और ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको, ऊपर कितने अच्छा डिजाइन किया गया है। देखिए यहाँ से ऊपर से पानी भी आता है, देख सकते हो इस नज़ारे को। और यहाँ पर चप्पल जूते नीचे उतार कर ही ऊपर जाया जाता है। देखिए इधर का सागर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, मूसी महारानी की छतरी के झरोके से आपको सागर का नज़ारा, देखिए एक झलक सागर की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लिया गया है सागर का, और इधर का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और ये आकर्षित करने वाला। ये देखिए मैं क्या हरा भरा है, कितना ब्यूटीफुल, मन को आकर्षित करने वाला। और ऊपर का जो देख सकते हो बाला किला की जो दीवार दिखाई गई है वो देख सकते हो आप। और अंदर चलकर दिखाते हैं पगले आपको मूसी महारानी जी के, तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं मूसी महारानी जी के जो पगले हैं वो आपको दिखाते हैं। इस पर एक चिड़िया, एक पक्षी बैठा हुआ है, तो ऊपर देखिए ये इनके पगले हैं, और ये ऊपर कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है और कितना बारीकी से इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ एक फूल टाइप में बनाया गया है काफ़ी अच्छा, और यही एक आकर्षित करने वाला केंद्र है। ये चारों दीवारों पे ऐसे खड़े की गई हैं मूर्तियाँ सी, आप देख सकते हो चारों दीवारों पे आपको मिलेंगे, चारों कॉर्नरों पे। तो देख सकते हो अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छी बारीकी से कलाकृति की गई है। ये देख सकते हो मूसी महारानी जी के पगले, इन पर फूल चढ़ाए गए हैं, देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा। इसी जगह मूसी महारानी जी सती हुई थी, काफ़ी नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और इधर का दिखाते हैं आपको अब नज़ारा साइड की तरफ से, दूसरी तरफ चलकर। तो ये देख सकते हो छतरी का नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है छतरी का ऊपर से भी। और इसको बता देते हैं आपको, अलवर राजस्थान के अंदर ये स्थित है, और यहाँ पर ये मूसी महारानी जी की छतरी पहाड़ों, जो अरावली की पहाड़ी है उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहाँ पर ये स्थित है। और इसके ऊपर के और देखते हैं तो आपको मूसी महारानी के ऊपर की तरफ बाला किला देखने को मिलेगा, और यहीं माता का मंदिर है पीछे की तरफ, वो भी देखने को मिलेगा। आप छतरी का नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा, और कितने खम्भों पर इसको डेकोरेट किया गया है, ये देखिए क्या नज़ारा है, सो ब्यूटीफुल। बाहर से आप पलवर का नज़ारा देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और आप देख सकते हो ये ऊपर मैं मूसी महारानी जी की छतरी पर ये सीन ले रहा हूँ, वहाँ से आपको ये विजिट करा रहा हूँ, और यहाँ फिर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी हरियाली है, कितना हरा भरा, और कितनी अच्छी छतरी है, छतरी का लुक देखिए, खम्भों पर है, सात खम्भों पर इसे बनाया गया है, ये देख सकते हो आप नज़ारा। अब चलते हैं नीचे, और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आपको चलकर, नीचे भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, देखने लायक है सिटी पैलेस का। और ये छोटे छोटे गार्डन बनाए गए हैं, गार्डनों के सामने ऑक्सीजन प्लांट
देख सकते हो। अब चलते हैं नीचे और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं आपको, और एक बार यहाँ से अच्छे से देख लीजिए चारों तरफ का व्यू, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा, इधर देखिए कितनी हरियाली है, मन को आकर्षित करने वाला केंद्र बना हुआ है। इस टाइम हल्की सी बारिश हुई तो उसी से देखिए बाला किला की दीवार है, और ऊपर देख सकते हो ये यहाँ पर बाला किला है, यहाँ पर चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, इधर से भी देख सकते हो बाला किला की दीवार। ये देख सकते हो पहाड़ का नज़ारा, अरावली की वादियों में स्थित है, अरावली पहाड़ियाँ हैं उनके चारों तरफ और बीच में स्थित है अलवर, काफ़ी अच्छा है, देखने लायक जगह है। ये देखिए इधर को आपको दूसरी दीवार दिखाई दे रही है, तो ये दीवार देख सकते हो बाला किला की। तो मूसी महाराणा क्षत्रिय बख्तावर सिंह द्वारा 1814 ईस्वी में बनाए गए थे। ये देखिए कितना अच्छा फोर्ट ऊपर किले के ऊपर बनाया गया है, पहाड़ के ऊपर देखिए, ये इसके चारों तरफ की दीवार है, आप देख सकते हो। वीडियो कैसे लगे दोस्तों हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। तब तक दोस्तों मिलते हैं।